नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ पंचा, यह 12 नंबर पाठ है। तो इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेस्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेस्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको यह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और उस पाठ को आप आसानी से पढ़ सकेंगे। और मैं बहुत सारा व्याकरण का भी बनाई हूँ, तो व्याकरण का भी आपको जो भी दिक्कत होगा बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ाई हूँ, उसको भी आप समझ लीजिएगा। अब बच्चों, इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, कंचे जब जाड़ से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? उत्तर, कंचे जब जाड़ से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो उसे लगता है कि जैसे कंचों का जाड़ बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर चला गया। वह अकेले ही कंचे चारों ओर बिखरता हुआ मजे ले से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में न था, वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। प्रश्न संख्या 2, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। उत्तर, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है, वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। प्रश्न संख्या 3, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी? उत्तर, जब मास्टर जी रेलगाड़ी पाठ पढ़ाना शुरू किया तो उनकी आवाज ऊंची थी क्योंकि वह सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे थे ताकि वे ध्यान पूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया, बच्चे एकाग्रचित होकर उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज धीमी हो गई। आगे का प्रश्न है, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो कौन सी दुनिया में वह खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब हो रहे हो? ऐसा क्यों हुआ और आपके ऊपर उस दिन क्या गुजरी? अपने अनुभव को लिखिए। तो अनुभव किस तरह लिखा जाता है तो एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। उत्तर, जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू तो कंचे की दुनिया में खोया था, उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में बिल्कुल ना था। अब अपना अनुभव एक बच्चे बता रहे हैं कि पिछले वर्ष की बात है, मेरा जन्मदिन था, घर में सब मेहमान आए थे, घर के बाहर तंबू लगा था, हमारे घर आने वाले रिश्तेदारों के बच्चे उसमें खेल रहे थे, लेकिन मेरी उस दिन गणित की परीक्षा थी इसलिए माँ ने मुझे विद्यालय भेज दिया। आधी छुट्टी तक परीक्षा चल रही थी तो मुझे घर का ख्याल भी न आया, लेकिन आधी छुट्टी के बाद जब पीरियड लगने शुरू हुए तो विज्ञान की अध्यापिका पढ़ा रही थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी आंखों के आगे तो घर का माहौल छाया हुआ था। इतने में अध्यापिका मेरे पास आई और पूछा कि तुम्हें प्रश्न समझ में आ गया? तो मैंने हाँ में उत्तर दे दिया, लेकिन बहुत शर्म आई जब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम्हारी पुस्तक तो तुम्हारी उल्टी पड़ी है। सच, मुझे बहुत शर्म आई। मैंने खड़े होकर सच अध्यापिका को बताया तो वे भी हंसने लगी और मुझे जन्मदिन मुबारक कहकर बिठा दिया गया।
अब दूसरा प्रश्न है, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उत्तर, कंचों की दुनिया अथवा अप्पू और उसके कंचे। प्रश्न संख्या 3, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है? उत्तर, गुल्ली डंडे व क्रिकेट के खेल की समानताएं व असमानताएं निम्न रूप से हैं। पहला, दोनों खेल सहयोग पर आधारित है। दूसरा, दोनों में ही दो दो टीमें होती है। तीसरा, दोनों में जीत के लिए निश्चित चिन्ह है। क्रिकेट में रन व गुल्ली डंडे में डंडे नापे जाते हैं। चौथा, दोनों में खेलने के साधन दो हैं, क्रिकेट में बल्ला और गेंद व गुल्ली डंडे में गुल्ली और डंडा। पांचवा, दोनों खुली जगह पर खेले जाते हैं। और समानता है, पहला, गुल्ली डंडा दो या दो से अधिक खिलाड़ियों में, लेकिन क्रिकेट पूरे 11 खिलाड़ियों में खेला जाता है। दूसरा, क्रिकेट के निर्णायक अंपायर होते हैं, जबकि गुल्ली डंडे के निर्णायक स्वयं खिलाड़ी ही बन जाते हैं। तीसरा, क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खेल बन चुका है, जबकि गुल्ली डंडा केवल गांव मोहल्लों तक ही सीमित है। चौथा, गुल्ली और डंडा दोनों लकड़ी के होते हैं, लेकिन क्रिकेट में बल्ला लकड़ी का और गेंद चमड़े रबर की होती है। पांचवा, क्रिकेट निश्चित समय सीमा में खेला जाता है, जबकि गुल्ली डंडे के साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अब भाषा की बात है। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई और दूसरा, सारी कक्षा सांस रोके हुए उस तरफ देख रही है। तो आप उसका मुहावरा इस तरह बना सकते हैं, इसमें देख लीजिए कोष्टक में किस तरह दिया गया है। मुहावरा एक तरफ है दांतों तले उंगली दबाना, इसका भाव है हैरानी, और वाक्य में किस तरह प्रयोग करेंगे। 26 जनवरी की परेड में भारतीय सैन्य यंत्रों को देखकर मैंने दांतों तले उंगली दबाई। अब पहला है विस्मित होना, तो इसका भी होता है विस्मित होना, मतलब हैरान होना। तो ताजमहल वाक्य में कैसे बनाएंगे? ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी भी विस्मित हो जाते हैं। दूसरा, हक्का वक्का होना, राम एक चोर बन गया है, यह सुनकर सभी हक्के बक्के हो गए, सांस रोके हुए डर के मारे। पहला, प्राण सूख जाना, सारी कक्षा सांस रोके हुए, पहले सांस रोके हुए का बनाएंगे, तो सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है, और प्राण सूख जाना, चोर को देखते ही मेरे प्राण सूख गए। दम साधे खड़े हो जाना, जब मेरी चोरी पकड़ी गई तो मैं पिताजी के सामने दम साधे खड़ा था। अब दूसरा प्रश्न, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण है। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफेद गोले कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाएं। ठंडी अंधेरी रात, ताजा स्वादिष्ट भोजन, खट्टी मीठी गोलियां, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो क का क्या है? ठंडी अंधेरी रात, तो इसका क्या होगा? ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया। ख का, खट्टी मीठी गोलियां बच्चों को बहुत लुभाती है। ग का, ताजा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। घ का, स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने वह लड़की सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अब आगे प्रश्न है, कंचा कहानी का उद्देश्य क्या है? उत्तर, कंचा कहानी में लेखक ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि बच्चों की अपनी दुनिया होती है, वे हर पल कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और न जाने अपनी सोच की दुनिया में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार अभिभावक और शिक्षक उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। जैसे इस कहानी में भी अप्पू कंचे देखकर कंचों की दुनिया में खो जाता है, लेकिन उसके मास्टर जी उसकी भावना व सोच को समझ नहीं पाते और रेलगाड़ी का पाठ समझाते चले जाते हैं, और पाठ से संबंधित उत्तर न देने पर उसे डांट खानी पड़ती है। प्रश्न संख्या 2, कंचे देखकर अप्पू का मन कक्षा में क्यों नहीं लग रहा था? उत्तर, अप्पू ने जब विद्यालय आते समय एक दुकानदार के पास जार में रखे कंचे देख लिए तो उसका दिल और दिमाग कंचों में ही खो गया, वह उन्हें लेने की तरकीबें बनाने लगा, इसलिए कक्षा में उसका ध्यान ही नहीं था, वह तो केवल कंचों के बारे में ही सोचता जा रहा था।
प्रश्न संख्या 3, मास्टर जी ने रेलगाड़ी के चलने के बारे में क्या बताया? उत्तर, मास्टर जी ने रेलगाड़ी के बारे में बताया कि रेलगाड़ी भाप से चलती है, इसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, माँ अप्पू को अत्यधिक प्रेम क्यों करती थी? फीस के पैसों से कंचे खरीदने पर भी माँ ने उसे क्यों नहीं डांटा? उत्तर, माँ अप्पू को अत्यधिक प्रेम करती थी क्योंकि घर भर में वह एक ही बच्चा था। अप्पू की छोटी बहन मर चुकी थी, वह उसे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहती थी। फीस के पैसों से उसने कंचे खरीदे, इस बात के लिए माँ हैरान तो हुई लेकिन उसने उसे खुश देखकर कुछ ना कहा। प्रश्न संख्या 5, अप्पू के कंचे सड़क पर कैसे बिखर गए? उत्तर, दुकानदार ने कागज की पोटली में बांधकर कंचे उसे दे दिए। जब वह पोटली छाती से लगाए जा रहा था तो उसने देखना चाहा कि क्या सभी कंचों पर लकीरें हैं। बस्ता नीचे रखकर जैसे ही उसने पोटली खोली तो सारे कंचे सड़क पर बिखर गए। प्रश्न संख्या 6, माँ अप्पू को अत्यधिक प्रेम क्यों करती थी? फीस के पैसों से कंचे खरीदने पर भी माँ ने उसे क्यों नहीं डांटा? उत्तर, माँ अप्पू को अत्यधिक प्रेम करती थी। यह तो आप प्रश्न संख्या इसमें भी 4 में भी आप पढ़ लिए हैं। तो प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 6 दोनों समान ही है। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कहानी का शीर्षक कंचा कहाँ तक सार्थक है? उत्तर, कहानी का शीर्षक कंचा पूर्णतया सार्थक है क्योंकि पूरी कहानी कंचे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अप्पू जैसे ही सुंदर कंचों को देखता है अपने आसपास की दुनिया को ही भूल जाता है। उसके दिमाग में केवल कंचे, उनका खेल, उन्हें खरीदना आदि बातें चलती रहती है। वह आखिर में उन्हें खरीदकर ही दम लेता है। प्रश्न संख्या 8, कंचा कहानी का संदेश क्या है? उत्तर, कंचा कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि कक्षा में बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ शिक्षक को उनके हाव भाव को जानने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से कक्षा में उपस्थित न हो तो उसकी भावना को जानना चाहिए। बच्चों को भी चाहिए कि वे पढ़ाई के समय इधर उधर की बातें न सोचकर पढ़ाई में ध्यान लगाएं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी राय परामर्श अगर आप देना चाहते हैं, कुछ भी आपको अगर पूछना है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और यह बताइएगा कि यह पाठ आपको कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।